हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुमित्राओ। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कई सारे भाइयों ने क्या कर रखा है, नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रखा है। ओके, सब्सक्राइब तो कर रखा, प्लीज़ नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपको जो वीडियोज़ मिलती रहें, टाइम टू टाइम उसके अपडेट जो है मिलते रहें, ठीक है, नोटिफिकेशन द्वारा। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कुछ डायग्राम के माध्यम से जो हमारे पास गीजर होता है ना, गीजर पानी गर्म करने के लिए, उसके कनेक्शन कैसे होते हैं और किस तरह से वो वर्क करता है ऑटोमेटिकली। ओके, तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। तो हमारे गीजर के अंदर एक तो होता है थर्मोस्टेट, दूसरा होता है ऑटो कट ऑफ, तीन हमारे पास लाइट मिल सकती है, दो लाइट मिल सकती हैं जो कि इंडिकेटर का काम करती है, एक हमारे पास हीटर होता है, हीटर रोड, और एक होता है हमारा पावर प्लग। तो इस सभी के कनेक्शन मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो देखिए, हमारी जो पावर प्लग है इसके अंदर तीन पिन होती है, तीन पिन। जो सबसे ऊपर की पिन होती है यह खाली होती है, ये अर्थिंग के लिए काम में ली जाती है। तो आप इसका कनेक्शन अर्थिंग में दे सकते हैं चाहे तो, लेकिन मेन होती है दो पिन, एक को हम प्लस मान सकते हैं, एक को माइनस मान सकते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव पिन है उसका कनेक्शन हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है पॉजिटिव पिन। यह पॉजिटिव पिन सबसे पहले जाती है ऑटो कट ऑफ की एक पिन के अंदर जाती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो यहाँ पे ये चली जाती है इसके अंदर एक पिन। इसके बाद यह जो तार है ऑटो कट ऑफ जो है इसके अंदर से आउट होती है, इस साइड से आउट होगी और इस साइड से आउट होगी इधर से, और ये चल जाएगी हमारे पास दो थर्मोस्टेट है ना उसकी एक पिन के अंदर चली जाएगी इस तरह, ठीक है। तो थर्मोस्टेट की पिन में यह चली जाएगी इधर से आउट होकर के इसके अंदर, ओके। अब यही पिन जो आउट हुई थी यहाँ से, यह पिन जाएगी हमारी जो हीटर का जो ऑफ का इंडिकेटर है ना, ऑफ जहाँ पे हीटर ऑफ होता है उसके अंदर जाएगा। तो ऑफ का इंडिकेटर जो होता है दोस्तों वो रेड होता है, ठीक है, या किसी और कलर में भी आपको मिल सकता है। तो उसके अंदर ये जो है चली जाएगी। तो ये एक इंडिकेटर के अंदर चली गई है, ओके। अब दोस्तों, ये थर्मोस्टेट जो आप देख रहे हैं, थर्मोस्टेट से यह जो आउट पिन आप देख रहे हैं इधर का, ये इन हमने दिया था इधर से इधर, अब ये जो आउट पिन है इधर से, ये आउट पिन इधर से आउट होगा, तार आउट होगी यहाँ से, और यह जाएगी हमारी जो हीटर है उसकी एक पिन में, दो पिन होती है हीटर की, तो उसकी एक पिन में चली जाएगी। किसी भी एक पिन के अंदर जोड़ सकते इस तार को, तो कुछ इस तरह से चली जाएगी, ओके। फिर यही पिन जो हीटर के अंदर यहाँ पे गई है, यह हमारी जो हीटर की ऑन इंडिकेशन जो मिलता है ना, इंडिकेटर होता है जो ग्रीन इंडिकेटर होता है, जब हीटर ऑन होता है तब ये जलता है, इसकी एक पिन में चली जाएगी। तो हम इसको यहीं से ही, इसका यहीं से ही हम कनेक्शन देंगे, ओके, ऊपर की तरफ से। तो इस तरह से यह कनेक्शन हो जाते हैं हमारे जो पॉजिटिव तार है उसके। अब हम नेगेटिव तार का जो है कनेक्शन वो आपको समझा देते हैं। तो इसके लिए हम अलग कलर ले लेते हैं, इसके लिए हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो ये हमारी तार है कौन सी, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव तार है दोस्तों यह है कहाँ कहाँ पर जाएगी, ये इंडिकेटर के अंदर जाएगी, ओके, और हीटर के अंदर भी जाएगी। तो सबसे पहले इंडिकेटर की हमारी जो पिने हैं उसके अंदर हम इस तार को देते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारा ग्रीन इंडिकेटर है उसकी एक पिन के अंदर चली जाएगी। तो हमारी ग्रीन इंडिकेटर के जाने के बाद रेड की एक पिन में चले जाएगी यही ब्लैक तार, उसके बाद दोस्तों यही ब्लैक तार
हमारी हीटर की बची हुई पिन पे भी चली जाएगी इधर से। ओके, इधर से ही होता हुआ। ओके, तो ये इसके कनेक्शन जो है हो जाते हैं। अब हमारे पास जो आपने देखा कि एक इंडिकेटर बच गया है, तो जत्तर में देखा जाता है, जत्तर गीजर में दो इंडिकेटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरा भी इंडिकेटर है, तो इसको वो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, जत्तर में एक आता है जिसमें कि बिजली जैसे ही उसमें आती है ना, ऑन होता है तो डायरेक्ट चलती है, तो इस ये जो इंडिकेटर है उसमें एक जो ब्लैक तार है हमारी माइनस की वह चली जाएगी, और एक तार हमारी कौन सी जाएगी, हमारी प्लस की तार चली जाएगी। प्लस की कहाँ से जाएगी, यहीं से जाएगी, जो प्लग का है वहीं से ही हो जाएगी वो तार। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा अलग कलर से बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये जो दूसरी तार है इंडिकेटर की पीले वाले की, ये हमारे प्लग वाले तार से ही चली जाएगी डायरेक्ट। जब भी यहाँ पे करंट आएगा तो पीली इंडिकेटर डायरेक्ट जलेगी, उसके बाद जो है जैसे ही क्या होगा कि हीटर ऑन होगा तो ग्रीन जलेगी और हीटर ऑफ होगा तो रेड जलेगी। ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।